साहब, एनआरओ की बहुत बात हो रही है, आप भी समझते हैं एनआरओ मिला पीडीएम को? इसमें कोई शक है? अच्छा, और दिया किसने? वरना ये कैसे आते जी? शेख साहब, दिया किसने? ये मैं देखिए, मैं फौज के बारे में बात नहीं करना चाहता। आप ही के कैमरे ने बताया कि ये सिंध हाउस में मंडी लगी हुई थी। लीडर ऑफ दी अपोजिशन राजा रियाज, किंग ऑफ दी गोल्डन लोटा जो है, फैसलाबाद वालों का रेट हाई था क्योंकि उन्हें पता था कि डॉलर महंगा हो जाना है। ठीक। और मेंबर इस तरह बिके हैं जैसे ये सियासत की क्रिस्टाइन किल रहे हो, कोई जमीर ही ना हो, कोई मसला ही ना हो, कोई इज्जत नफ्स ना हो। जाली जमहूरियत, जाली असम्बली, जाली हुकूमत, जाली कमेटियां, ना इनके पास रोड मैप है, ना इसके पास प्लानिंग है। और कर्जा मांगना भी जो फन गदागरी है उसमें भी नाकाम हो गए। कहता है मैं कपड़े बेच दूंगा आटे के लिए, इस बदबूदार कपड़ों को लेगा कौन? यानी इस मुल्क का वजीर आजम लाइव टीवी पे कहता है कि मैं ये कपड़े बेच दूंगा सस्ते आटे के लिए। अब आगे हो, बेचो कपड़े। कौम के आगे बेनकाब हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं। इनकी ना इज्जत है, ना इसका एहतराम है, ना मुल्क के अंदर, ना मुल्क के बाहर।